नमस्कार। राष्ट्र खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। पेयजल की आपूर्ति ना होने, गंदा पानी आने, गटर जाम होने जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बल्लभगढ़ की आदर्श कॉलोनी के लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। लोगों ने इसे लेकर स्थानीय पार्षद और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते नजर आ रहे यह लोग बल्लभगढ़ की आदर्श कॉलोनी के रहने वाले हैं। लोगों की माने तो पिछले काफी समय से यह मूलभूत सुविधाओं से महरूम है और इसी को लेकर आज इनका गुस्सा फूट पड़ा है और इन्होंने इलाके के पार्षद और नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से पीने के पानी का सप्लाई में गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, वहीं गलियों की सीवर का गंदा पानी जमा है, जिसकी शिकायत वह कई बार स्थानीय पार्षद और नगर निगम अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते उन्होंने काफी परेशानियां सही हैं और इनका सामना कर रहे हैं। राजवाला, क्या क्या मामला है, किस लिए सारे गटर भर रहे हैं, सारे में पानी भरा पड़ा है, परेशानी हो रही है निकलने बनने की। कौन सा बार लगता है, कभी शिकायत वगैरह?